यहाँ तो देखिए इसमें वहाँ बटन लगा हुआ है, ये है जहाँ सीजियम बम डालेंगे, ये सीजियम की टिकड़ी है, टिकड़ी माने सीजियम 137 शुरू कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम, ये देखिए ये ऑन होता है, ये ऐसा आएगा, फिर हम प्रोग्राम हम इसके अंदर सेटिंग करेंगे। सब तो देखिए ये हाई वोल्टेज है, इसको सबसे पहले हाई वोल्टेज को जीरो कर दो सबसे पहले। ये देखिए ऐसे होता है, ये पूरा ये हो गया, फिर जीरो हो जाएगा, फिर हम टाइमिंग को सेट करेंगे। टाइमिंग सेट होता है ऐसे, देखिए अगर ऊपर से घुमाना है, ये एक हो गया, ये दो तीन, ऐसे डिजिट चेंज हो जाएंगे, जीरो जीरो वापस 30 पे कर लिया। फिर आगे वाले आगे, अगर इसको आगे लेके जाना है तो इससे होगा ऐसे, ऐसे ठीक है ओके। फिर इसको स्टोर करेंगे, फिर इसको स्टोर फिर ठीक है, फिर आगे प्रोग्राम में जाएंगे, रीडिंग आई, हमें बराबर ये भी नहीं चाहिए, चलो फिर आगे जाएंगे, आगे प्रोग्राम और आगे जाइए, और आगे जाइए, सेव आता है फंक्शन, और आगे जाते हैं तो क्या आता है, देखिए रिकॉल हमें नहीं चाहिए, और आगे चाहिए इरेज मेमोरी, हमें इरेज मेमोरी करनी है इसलिए इसको दबाते हैं, ओके ओके एक बार वो ओके, फिर स्टोर करते हैं, फिर वापस से स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ये देखिए इटरेशन जीरो है, मतलब फर्स्ट रीडिंग से शुरू है, हाई वोल्टेज जीरो है, ये हमारा 30 सेकेंड के लिए है, और ये रीडिंग आएगी यहाँ पर हमारी रीडिंग आएगी, ठीक है, इसको 30 पे जाने देते हैं। ये हो गया 30, कोई रीडिंग नहीं आई। अब हाई वोल्टेज को 300 पे लेके जाते हैं, 300 पे लेके जाने के लिए इसको घुमाते रहो, ये हो गया, ये लगभग 300 के बराबर है, 300 हो गया। फिर करते हैं वापस स्टार्ट, स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 30 सेकेंड होंगे, तो ये वाली रीडिंग नोट करनी है, देखते हैं कुछ रीडिंग आती है या नहीं। यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, ये पूरा 30 होएगा, ये हो गया 30, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आई, तो यहाँ पे अपन 300 पे रीडिंग नोट करते हैं, ये जीरो, उसके बाद इस सीजीएम को डालते हैं 4 mm पे, ये चौथे नंबर पे ही डालते हैं क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर का गैप चाहिए हमें, इसको डालो और फिर वापस 300 पे वापस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट 30 सेकेंड तक चलने दो इसको, देखते हैं इस बार भी रीडिंग आएगी या नहीं। इस बार जो रीडिंग आती है उसको हमें काउंट पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने जो पीले कलर की बट्टी डाली वो सीजियम 137 है, क्यों बेइज्जती करा वो बट्टी, तीन सौ बीस पे रीडिंग शुरू होगी सर, ये सबसे बड़ा रीडिंग है जी, हम 300 पे 30 सेकंड पे भी सीजीएम डाले हुए भी रीडिंग जीरो आती है, तो इसको भी काउंट में 300 पे जीरो लिख देते हैं, फिर वापस वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर वापस सीजीएम को हटाते हैं, सीजीएम को हटा देते हैं और हाई वोल्टेज को 320 पे करते हैं, 320 पे रीडिंग आना शुरू हो जाती है, समान ये हो गया 320, वापस से करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट करेंगे तो ये देखो रीडिंग बढ़ रही है, कुछ कुछ रीडिंग आनी शुरू हो चुकी है,
ये देखो 30 सेकंड हो चुके हैं, इस पे अपनी जो रीडिंग आती है 29, उसको यहाँ पे बैकग्राउंड करंट के अंदर 320 के आगे लिख लेते हैं। फिर उसी वोल्टेज पे ये सीजीएम को 4 mm पे डाल देते हैं, फिर वापस से करते हैं स्टार्ट। इस बार रीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी और बहुत ही स्पीड से आएगी। ये देखिए, ये यहाँ पे आ रही है बहुत तेज गति से। ये तो हो गया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड पे आएगी 2840। ये यहाँ पे 320 में यहाँ पे अपन करंट में लिख लेते हैं, फिर वापस से सीजीएम को हटाते हैं और इसको 320 से 340 पे लेके जाते हैं और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहते हैं। ये हो गया 340, वापस से करते हैं स्टार्ट। ये हो गया 30 सेकेंड, जो रीडिंग आती है वो बैकग्राउंड करंट में 340 के आगे लिख लेते हैं, फिर वापस आई वोल्टेज को 340 रखते हैं और सीजीएम की प्लेट को डालते हैं अंदर, फिर वापस स्टार्ट। और इसको जो रीडिंग आएगी हम वो वापस 340 पे लिखते हैं कम होते और उसके बाद इस प्रोसेस को करते जाते हैं, वापस इसको हटाएंगे, वापस इसको 20 बढ़ाएंगे और ये रीडिंग नोट करेंगे, इसको वापस डालेंगे और वो रीडिंग नोट करेंगे, वापस 20 बढ़ाएंगे, फिर ये रीडिंग नोट करेंगे, फिर वापस सीजीएम प्लेट को डाल के रीडिंग नोट करेंगे और वापस सीजीएम प्लेट को बाहर निकालेंगे और वापस 20 बढ़ाते रहेंगे, इस प्रोसेस को करते रहेंगे। चलो ये यही ख़त्म होता है।